पूछ पूछ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरि ओम तत्सत। हमने गए सेशन नंबर 17 में कर्म योग के चैप्टर नंबर 3 श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक नंबर 1 से 11 के विषय में चर्चा किया था, और आज हम श्लोक नंबर 12 से लेकर के 20 तक जाने का प्रयत्न करेंगे। इन श्लोकों में हमने देखा, श्लोक नंबर अगर हम जाते हैं 10 में हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, तो हमें आइडिया आएगी कि इसमें भगवान ने कहा था, सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाक प्रजापति अनेना प्रसविष्यध्वं एषवोऽस्त्विष्टकामदुक्। बहुत ही सुंदर श्लोक यहाँ पे भगवान ने कहा, क्या कहा था कि प्रजापति ब्रह्मा ने, प्रजापति ब्रह्मा जी ने आदि काल में कब कहा था, पुरोवाच पहले कहा था, और कब कहा था, बहुत ही पहले कहा था। और उस समय क्या कहा था उन्होंने कि तुम देवता लोक, देवता कौन, मनुष्य योनि से भी ऊपर की योनि, ऐसी योनि जहां पे सदकर्म करने के बाद, उन्नत कर्म करने के बाद, सामाजिक कार्य करने के बाद, परोपकार करने के बाद, सदकर्म करने के बाद जिस गति को प्राप्त होते हैं मनुष्य, देवलोक, देवलोक में कौन सी आत्माएं निवास करती हैं, देवताओं की आत्माएं, अर्थात उच्च कोटि पर पहुंचे हुए व्यक्तियों, उच्च कोटि पर पहुंचे हुए जो भक्त जन हैं, कर्मशील लोग हैं, कर्तव्य कर्म के मार्ग पर जो अग्रसर आ गए, जो आगे आए हुए जो व्यक्ति हैं, वे लोग देवयोग देवलोक में रहते हैं। और उन्होंने देवता लोक की उपमा भगवान ने यहाँ दी, अर्थात हमारे लिए यहाँ सीखना क्या है, अर्जुन को क्या सीखना है कि हमें हमारे कल्याण के लिए प्रभु की भक्ति करनी है और साथ साथ में किसी का अपमान नहीं करना, देवताओं की उन्नति और हमारी उन्नति देवताओं के माध्यम से, ये दोनों चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण थी। और ये कब से है, क्या बताया उन्होंने, पूर्ववाच पहले ही कहा है, किसने, ब्रह्मा ने। भगवान कहते हैं यज्ञों के द्वारा, यज्ञ का अर्थ क्या हुआ, यज्ञ का अर्थ है वह कर्म, यज्ञ का अर्थ है वह सदकर्म जिसमें, वह सदकर्म जिसमें आप शेयर नहीं हो रहे, शेयर हो रहा है उसको बड़ा करने से डबल क्लिक कर दो, वह सदकर्म जिसमें जीवों का कल्याण है, वह सदकर्म जिसमें मनुष्य मात्र केवल अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करता है। इसलिए क्या कहा, सह यज्ञाः प्रजाः, प्रजा यानी मानव जाति, जो यज्ञ, यज्ञों के द्वारा, यज्ञ के साथ सृष्ट्वा अर्थात सृजन करता है। और कब कहा था, आरंभ में, प्रारंभ में ही कहा था प्रजापति ब्रह्मा जी ने। आप विचार करें कि यह आज का सिद्धांत नहीं है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से, हम मानव जाति से इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि आज जो महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन से वो जो कह रहे हैं, वो उस समय नहीं कह रहे हैं, ये प्रारंभ से ये परंपरा है, ये पहले से ही ये नियम चला आ रहा है। इसलिए अगर कोई क्लेम करता है कि यज्ञ क्या है, देव क्या है, मनुष्य क्या है, ये नहीं होता है, होता है, कोई शंका करे, तो उनको ये श्लोक पढ़ाने का कि यह आज का नहीं, पहले से। दूसरी बात क्या कहा यहाँ पे कि सुख और समृद्धि प्राप्त होती है यज्ञ के अनुष्ठान करने से, और कौन से यज्ञ के अनुष्ठान करने से, जो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने मानव जाति से कहा, अर्थात कहाँ पे वो मिलेगा, वेदों में मिलेगा। पहले भगवान ने, याद है पहले के श्लोकों में कहा था कि वेदों में मनुष्य अपने स्वार्थ से संबंधित ही
बातों को सीख और जान लेता है और उसी की प्रैक्टिस करता है। भगवान उसको इनडायरेक्टली यहाँ वापस कह रहे हैं कि तुम पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए कर्म करोगे तो तुम्हें अपनी वांछित वस्तुएं ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएंगी। 11वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा था, देवान भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमावाप्स्यथ। बहुत ही अच्छी बात कही, परम को प्राप्त होगे हे अर्जुन। भगवान कहते हैं कि ये जो मानव हैं वो परम को प्राप्त हो सकते हैं। वाप्स्यथ, वाप्स्यथ का अर्थ क्या हुआ, प्राप्त करते हैं, और किसको, परम को, और उसमें ही क्या है, श्रेयः। भगवान को अर्जुन ने पूछा था कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर है, मेरे लिए जो उत्तम है, वो आप मुझे कहें। तो भगवान ने क्या कहा, परम श्रेयस्कर जो है अर्थात सबसे उत्तम, सबसे समृद्ध, सबसे बढ़िया जो बात है वो मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर देवताओं को अपने यज्ञों से प्रसन्न करोगे तो यज्ञ के फलस्वरूप देवता तुमसे प्रसन्न होंगे हे मानव, और जब देवता प्रसन्न होंगे तो तुमको क्या देंगे, वर देंगे, और वर कैसा देंगे, श्रेय, जो तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। अर्थात जैसे एक पिता के दो पुत्र हैं, एक थोड़ा कमजोर है, एक थोड़ा अधिक शक्तिशाली है, तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि देव मनुष्य से ज्यादा शक्तिशाली है, देव मनुष्य से ज्यादा वैभवशील है, ज्यादा उनके पास शक्ति है, तो जब वो मनुष्यों के द्वारा यज्ञ के माध्यम से प्रसन्न होंगे तो मनुष्य योनि की जो भी आवश्यकताएं हैं, सुख समृद्धि, जो कुछ भी इच्छाएं हैं, वो देवता यज्ञ के फल के रूप में आपको वापस देंगे। तो क्या हुआ, परस्पर एक दूसरे के लिए कर्म करो। अब प्रश्न ये है कि देवताओं के लिए कर्म करना, परमेश्वर के लिए कर्म करना, स्वयं के लिए कर्म करना नहीं है। अब यहां भगवान अर्जुन से ये कहना चाह रहे हैं कि जब तुम यह युद्ध करोगे, इस युद्ध का फल ये मिलेगा तुमको कि तुम जिन देवताओं ने तुमको धनुष दिया, जिन्होंने तुमको गदा दिया, जिन्होंने तुमको इतने अस्त्र शस्त्र दिए, उनका दिया हुआ वरदान बेकार नहीं जाना चाहिए। मानव कल्याण के लिए हे अर्जुन, मानव समाज की सुरक्षा के लिए हे अर्जुन, तुम देवताओं के द्वारा दिया गया जो प्रसाद है, शस्त्र अस्त्र के रूप में है, उनके द्वारा दिया गया जो आशीर्वाद है, जिससे तुम शक्तिशाली हुए हो, उसका उपयोग करो अधर्म के खिलाफ, अधर्म को के विनाश के लिए और धर्म के सुरक्षा के लिए करो, वही तुम्हारा कर्म है। तो भगवान ने क्या कहा, अतः तुम कर्म करो। आप जानते हैं वायुदेव ने कुछ अस्त्र शस्त्र दिया था, अग्निदेव ने अर्थात सूर्य देव ने कुछ अस्त्र शस्त्र दिया था, और अलग अलग देवों ने अर्जुन को, इंद्र देव ने कुछ धनुष बाण, कुछ गदा, कुछ शस्त्र अस्त्र दिया था, तो आखिर उनका सम्मान तो करना पड़ेगा, उनका उपयोग कहाँ होगा। तो कहा कि कर्म के माध्यम से यह तुम यज्ञ कर रहे, और इस यज्ञ से उन देवताओं को प्रसन्न करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यह वरदान, यह आशीर्वाद दिया हुआ है। अतः अर्जुन कर्म करो, और कौन सा कर्म, धर्म कर्म करो। और धर्म कर्म क्या है, यहाँ पे अर्जुन के लिए क्या धर्म कर्म है, धर्म की रक्षा करना, और धर्म की रक्षा किसके लिए करनी है, युद्ध के माध्यम से। और युद्ध क्यों अर्जुन कर सकता है, क्योंकि अर्जुन शक्तिशाली है। अर्जुन केवल अपनी शक्ति से शक्तिशाली नहीं है, वह शक्तिशाली इसलिए भी है क्योंकि सभी देवों ने उनको कुछ न कुछ शक्तियां दी हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक अथर्ववेद स्कंद पुराण का एक वर्णन आता है, सामने लिखा हुआ है, अर्चिते देव देवेशे शंख चक्र गदाधरे, शंख चक्र गदा इत्यादि सब कुछ देवों ने दिया है। किसको दिया है, जब आप उपासना करेंगे तो आपको प्राप्त होता है, यहाँ अर्जुन को प्राप्त है। अर्चिता सर्वे देवाः स्यूर्यतः सर्वगतो हरिः, आप समझ गए, हे प्रभु, हे भगवान,
जब हे अर्जुन, जब तुमने हे प्रभु हे भगवान कहके उनकी उपासना की, उन देवताओं ने तुमको बहुत कुछ दिया, उनका उपयोग धर्म की रक्षा के लिए करो। अर्थात अर्जुन को क्या कहना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम अपना यह कर्म नहीं करोगे तो उन देवताओं को तुम नाराज करोगे, उनको अप्रसन्न करोगे, वे अप्रसन्न होंगे तो तुमको दी हुई शक्ति वापस ले लेंगे, परस्पर उन्नति है ना, तो तुम्हारी भी उन्नति नहीं होगी, तुम्हारी उन्नति नहीं होगी, तुम्हारी शक्ति चली जाएगी, तो तुम भविष्य में भी किसी समाज की सुरक्षा नहीं कर पाओगे, तुम अशक्तिशाली हो जाओगे और वो तुम्हारे लिए बदनामी होगी। अतः इसी चीज को भगवान आगे कंटिन्यू करते हैं। आप देखिएगा कर्म की चर्चा हर एक जगह भगवान ने पूरे अध्याय में की है। इस अध्याय में 43 श्लोक हैं, 43 में से 11 हमने कर लिया। अब 12वें श्लोक पे हम आते हैं, इसको पढ़ते हैं। ईष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। अच्छे से उच्चारण करिएगा, भगवान के शब्द हैं, अगर हम गलत उच्चारण करेंगे तो हम गलत करेंगे, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। मैं फिर से इसका उच्चारण करता हूं। ईष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। बहुत ही सुंदर श्लोक है। अगर आपके जीवन में कभी लगे कि आप किसी की व्याख्या करना चाहते हैं कि वह चोर है कि ईमानदार है, चोर है कि साहू है, तो आप ये श्लोक का उदाहरण दे सकते हैं। पीछे लिखा है कि तुम्हारे द्वारा संपन्न यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता जीवन निर्वाह के लिए वांछित आवश्यक वस्तुएं प्रदान करेंगे, किंतु जो प्राप्त उपहारों को उनको अर्पित किए बिना भोगते हैं वे वास्तव में चोर हैं। चोर कौन है? किसी की भी चोर, सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं, चोर का अर्थ होता है जो बिना मालिक से पूछे या उस वस्तु को चुरावे या उस वस्तु का उपयोग करे, जिस वस्तु का वो मालिक है कोई, उस मालिक से पूछे बिना, उसके परमिशन के बिना। उदाहरण के लिए अगर आप एक रास्ते से जा रहे हैं और बगल में सपोज गुलाब का के फूल की का खेत है, गार्डन है, उस गार्डन से आपने एक गुलाब तोड़ लिया, क्या आपने गुलाब के खेत से के मालिक से आदेश लिया, उससे परमिशन लिया? अगर आपने परमिशन लेके वो फूल लिया तो आप चोर नहीं। इसी तरह से कहा यहाँ पे ईष्टान भोगान नि वो देवा, यानी ये जो देव हैं, स्वर्ग के जो देव हैं, वो लोग क्या हैं? वो आपकी वांछित वस्तुएं आपको देते हैं। आपको वांछित वस्तु कौन दे रहा है? देवता दे रहे हैं। अच्छा, और कौन से देवता दे, क्यों दे रहे हैं? दास्यन्ते यज्ञ भाविता, जो आप यज्ञ करते हो, जो आप निष्काम भाव, निष्काम कर्म भाव से, जो परोपकार भाव से यज्ञ करेंगे, कर्म करेंगे, निस्वार्थ भाव से करेंगे, सबके कल्याण के लिए जो यज्ञ करेंगे, यज्ञ यानी परोपकार के लिए किया हुआ कर्म, तो जो कर्म आप करेंगे उसके फलस्वरूप यानी उसके फल के रूप में देवता लोग आपकी इच्छा के अनुसार आपका वांछित आपको रिजल्ट देंगे। क्या देंगे? भोगान, भोग उपहार की वस्तुएं आपको जीवन निर्वाह के लिए देंगे। किसके बदले में? यज्ञ के बदले में। कौन देगा? देवता। और आगे क्या बोला? तैरदत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते, भुङ्क्ते यानी भोगना। अब कह रहे हैं कि अगर देवता ने, देवताओं ने आपको कुछ दिया है जीवन निर्वाह के लिए, सोहिल भाई, देवताओं ने आपको दिया है, उदाहरण के लिए भोजन दिया, अब आप क्या कर रहे हो कि भोजन का देवताओं को भोग लगाए बिना ही सेवन कर रहे हो। आपने क्या किया? बिना भोग लगाए आप उसको खा रहे हो, पी रहे हो, उसका उसको भोग रहे हो। तो बोले अगर ऐसा आप करते हैं, वो उपहार है क्योंकि किसी ने दिया है, तो क्या होगा? स्टेल यानी चोर,
एव सह, सह यानी वह व्यक्ति चोर कहलाता है। तो चोर कौन हुआ, केवल वास्तव मेरी ये पेन यहाँ पे पड़ी हुई है, अब मेरे पेन का आप उपयोग करना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ लो कि सर मुझे आपके पेन का 5 मिनट का उपयोग करना है, मैं ले लूं, मैं हाँ बोलता हूँ, आप उपयोग करो, आप चोर नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं नहीं हूं, मैं हूं अथवा पेन हूं अथवा नहीं, लेकिन पेन यहाँ पड़ी है, पेन का आपने उपयोग किया और बिना मुझसे पूछे किया, तो मेरा आपके ऊपर कर्ज हो गया। यानी एक तो मेरा आपके ऊपर कर्ज हो गया, क्यों, क्योंकि आपने बिना पूछे किया। दूसरे भगवान की भाषा में आप चोर है, क्योंकि आपने उस चीज का उपयोग बिना किसी परमिशन के किया। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है सर आप नहीं थे, मैंने पेन का उपयोग कर लिया, मैंने कोई गलती नहीं की, गलत काम नहीं किया, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको जरूरत ही थी तो आपने उपयोग तो कर लिया, तो मैं आया तो आप मुझे कह सकते हो ना कि सर आप नहीं थे फिर भी मैंने आपके उपयोग पेन का यूज कर लिया है, कृपया आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। तो कम से कम आपकी ईमानदारी वहां पे झलकती है, नहीं तो चोरीपन दिखेगा। तो छोटे 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 जीवन यापी जीवन से संबंधित चीजों में भी हम ऐसा करते हैं। उदाहरण के लिए मैं यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा हूँ, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, आपका कुछ पर्सनल काम भी होता है, 8 घंटे जब आप जॉब करते हैं तो कभी 2-4 घंटे, 1-2 घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट, 2-5 मिनट के लिए कोई पर्सनल काम आपका हो सकता है, लेकिन आप क्या करते हैं, बिना किसी को बताए कैंपस से या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर गए, अपना काम वाम करके 1-2 घंटे वापस आ गए, फिर जाने के, तो आपके बॉस को, आपके ऑफिसर को पता ही नहीं है कि आप अपना पर्सनल काम ऑफिस काम के दौरान कर रहे। अथवा मान लीजिए मुझे कोई पर्सनल लेटर का प्रिंट आउट निकाल, वो किसका है, मेरा पर्सनल, ठीक है, मैं पेपर कहाँ का यूज कर रहा हूं, ऑफिस का, समय किसका है, ऑफिस का, आप समझे, प्रिंटर किसका है, ऑफिस का, सब कुछ मैंने ऑफिस का यूज किया, ऑफिस के समय में किया, ऑफिस का काम नहीं है वो, क्या है, मेरा पर्सनल काम, तो वो मुझे पूछ के करना चाहिए। कहने का अर्थ ये, इंटरनेट का उपयोग किया मैंने पर्सनल काम के लिए किया, वो पूछ के करना चाहिए। इसलिए भगवान ने क्या कहा, ऐसा जो काम करता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है, चोर कहलाता है। इसलिए हमें छोटे छोटे जीवन के आयामों में सावधानी रखनी चाहिए। अब अर्जुन से क्या संबंधित है, तो अर्जुन से ये है कि तुमने अच्छे कर्म तो किए हो, तभी तो तुमको देवताओं ने ये सारी चीजें दी है, शक्तियां दी हैं, आशीर्वाद दिया है, तुम इतने अच्छे माहौल में, इतने अच्छे खानदान में पैदा हुए, लेकिन अब जो तुम कर रहे हो वो तुम चोरी कर रहे हो, कि तुमने शस्त्र ले लिया है, कंधे पे हथियार रख दिया, लेकिन तुम उसका धर्म कर्म के लिए उपयोग अर्थात परोपकार के लिए उपयोग नहीं कर रहे हो, तो ये एक प्रकार से उस शस्त्र द्वारा के लिए, शस्त्र के माध्यम से मिले हुए आशीर्वाद के का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी कल को अगर ये युद्ध नहीं करते हो तो चोर कहलाओ ये। ऐसा भगवान ने अर्जुन को फटकार लगाई और कहा। इसी से 12 और 13 दोनों श्लोक जो है एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए 13 मैं तुरंत ले ले रहा हूं। क्या कहा यहाँ पे, यज्ञ यज्ञ शिष्टाशिनः संतो, ध्यान से उच्चारण करिएगा, कोई जल्दी नहीं है जीवन में, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने में कोई जल्दी नहीं है, आराम से करिएगा। कई लोगों को मैं ऐसा भी जानता हूं जो एक हफ्ते में एक ही श्लोक पढ़ते हैं और उस श्लोक को पूरे जीवन में पूरे सप्ताह प्रैक्टिस करते हैं और जीवन में उतारते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए पूरी तरह से उतार नहीं पाते, नहीं तो वो देव हो जाए, वो तो भगवान की चरण में उनको स्थान मिल जाए, लेकिन कोशिश करते हैं। तो हम लोग तो एक एक हफ्ते में 10-10, 12-12 श्लोक पढ़ ले रहे हैं, फिर भी उच्चारण में कोई गलती ना करें, समझने में कोई गलती ना करें, क्योंकि गलती उच्चारण और समझने में होगी तो जीवन में उतारना भी गलत ढंग से होगा, और गलत ढंग से जीवन में उतारेंगे तो हमसे जो लोग सीखेंगे वो हम 20वें श्लोक में आपको 21वें श्लोक में बताऊंगा कि भगवान ने कैसे कहा कि हमें अच्छा जीवन क्यों जीना चाहिए, हमें क्यों अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए लोगों को, वो श्लोक नंबर 21 में आपको बताएंगे हम। तो यहाँ पे भगवान ने कहा यज्ञ शिष्टाशिनः संतो,
मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। मैं फिर से पढ़ता हूँ। यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। बहुत ही उत्तम बात भगवान ने कही। पहले वाले श्लोक से इसको लिंक किया। जो चोर लोग होते हैं, जो लोग बिना भोग लगाए भोजन करते हैं, अब यहाँ भोग का अर्थ दो प्रकार का। एक, आपके घर में बड़े बूढ़े बच्चे ऐसे ही बैठे हैं और आप बिना कुछ सोचे समझे गए और थाली देखा नहीं कि अटैक किया और धड़ाधड़ खा लिए और किसी को पूछा भी नहीं। आप आपके दोस्तों के साथ बैठे हैं, दोस्त जो करे वो करे, हमको क्या है, हमको तो खाने से मतलब है। बिना किसी को पूछे आपने भोजन कर लिया, ये सामान्य ढंग से भोग लगाने की परंपरा है। बड़ी दूसरी परंपरा है कि आपके भगवान का मंदिर है, मूर्ति है, आपके घर में गेस्ट आए हैं, आपके आधारित गाय है, आपके कई लोग डॉग भी पालते हैं, गाय पालते हैं, भैंस है, बैल है, आपके यहाँ नौकर चाकर हैं, आपके घर कोई गेस्ट आया हुआ है, वो सबको एकदम किनारे कर दिया और पहले अपने ही भोजन कर लिया। यहाँ पे दो प्रकार की बातें हैं। तो कहने का अर्थ है कि हमें मनुष्यता भाव के साथ में हमें चीजों का उपयोग करना चाहिए। ये भोजन के बारे में। वैसे ही उदाहरण दूसरे भी, कई लोग अपने ही कपड़ों का ध्यान देते हैं, परिवार में और भी तो लोग हैं, बड़े बूढ़े बच्चे, दूसरे आपके आश्रित हैं, घर में काम करने वाले, खेती में काम करने वाले मजदूर वर्ग भी है। तो कहने का अर्थ है उनके साथ भी आपका वही आत्मवत भाव होना चाहिए जो अपने आपके प्रति है। इसलिए यहाँ पे कहा कि श्लोक नंबर 13 में कि आत्मकारणात्, अपने सुख के लिए पचन्त्य भोजन बनाते हो अगर केवल, तो आप 5 प्रकार के भोगों का पाप लगता है। त्वघम पापा, त्वघम अनघ मतलब होता है निष्पाप और अघम मतलब होता है घोर पाप। कह रहे हैं अगर आप ये किए बिना करते हैं तो आप पाप को खाते हैं, पाप ही आप सेवन करते हैं और आपके शरीर में आपका शरीर पाप खाते खाते पापी हो जाता है। जैसे आपका शरीर पूछूं किस चीज का बना है तो आप बोलोगे हड्डी मांस, नहीं, आपका शरीर किससे बना है, अन्न से बना है, आपका शरीर फलों से बना है, आपका शरीर फूलों से बना है। कल जो बैगन बाजार में था आज आप यहाँ पे बैठे हो, बैगन खा लिए रात को तो आप बन गए। कल जो चावल गेहूं बाजार में था वो आपके घर में आया, उसको पकाया, आपने भोजन कर लिए, तो आप चावल ही तो हो, आप वही आम हो, मैंगो जो कल बाजार में था, वही एप्पल जो बाजार में केला बनाना था वो आज आपके शरीर, तो आपका शरीर किससे बना है। ये जो सामान्य नेचुरल चीजें हैं, प्राकृतिक वस्तुएं हैं, उनसे आपका शरीर बना है। हड्डी मांस तो उसका फल है, फलों का फल है, अन्न का फल है, फूलों का फल है, हैं? तो भगवान ने कहा कि वो सब पे सबका अधिकार है। सांस लेने पे जैसे सबका अधिकार, वो भी एक प्रकार का भोजन, तो वो सब पे सबका अधिकार है, केवल आपका अपना अधिकार नहीं है। तो बोला कि मान लो आप यज्ञ करते हो तो यज्ञों से जो अर्पित भोजन सामग्री है, शेष अवशेष है, उसका पहले प्रसाद सबको वितरण करें और फिर आप अपने लिए उसका उपयोग करें, अन्यथा आप पाप के अधिकार। तो बोला अच्छा ठीक है, नहीं किया तो पाप के अधिकारी और करेंगे तो क्या होगा। तो भगवान ने कहा, क्या कहा, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो, संतो यहाँ पे संत की परिभाषा ये नहीं है कि गेरुआ कपड़ा पहन लिया या दाढ़ी बड़ा लिया और जंगल में चले गए। संत का अर्थ यहाँ पे है सज्जन व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति, भले व्यक्ति, भला ब्रॉड सेंस में भले व्यक्ति। तो जो सज्जन व्यक्ति है वो मुक्ति को प्राप्त करते, अर्थात उनके सारे पाप धुल जाते हैं। किल विषय, सर्व किल विषय, सारे पाप उनके, किल विषय यानी पाप, सारे के सारे पाप उनके क्या हो जाते हैं, मुंच्यते यानी धुल जाते हैं, सभी पापों से वो मुक्त हो जाते हैं।
लेकिन ऐसा जो सज्जन व्यक्ति नहीं है, जो भला व्यक्ति नहीं है, वो क्या करता है, केवल स्वार्थवश करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि स्वार्थवश करेगा तो उसको पाप लगेगा, तो सामान्य भाषा में हम पाप क्या समझें? तो कहा कि देखो, जब तुम अन्न पकाते हो, जब तुम कुछ इस तरह की क्रिया करते हो, तो पानी के अंदर कुछ न कुछ कीटाणु होते हैं, हवा के अंदर कुछ कीटाणु होते हैं, जब आप अन्न जो है वो उसको मान लो ग्राइंडिंग करते हो, है ना, गेहूं गेहूं का क्या बनता है, आटा बनता है, तो गुजराती में लोट बोलते हैं, तो जब गेहूं में से आटा बनेगा तो उसका ग्राइंडिंग होगा, तो अनाज की ग्राइंडिंग होगी तो कुछ जीवों की हत्या उसमें हो सकती है, संभावनाएं हैं। फिर जब आप भोजन बनाते हो तो उस समय आसपास जो जीवांत हैं वो अग्नि की वजह से उनकी उनकी हत्या होती है। तो कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पाप हम लेते ही लेते हैं, और जब हम ये भोग लगाते हैं भगवान को, अपने इष्ट को भोग लगा के यज्ञ करके जब हम अन्न ग्रहण करते हैं, तो ये सारे के सारे पाप के भागीदार हम नहीं बनते हैं, पापों का क्या होता है, नाश हो जाता है और हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो अर्थ दूसरे अर्थ में अगर देखूं तो आप स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, अगर आप ये करते नहीं हैं तो आप बीमार कहलाते हैं, मानसिक रूप से आप बीमार हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पापी जन नहीं है, अघम नहीं है, आप अनघ हो जाएंगे, अर्थात अर्जुन हो जाएंगे, अर्थात आप निष्पाप हो जाते हैं। अब सोचिए भगवान ने कितनी छोटी छोटी बातों को, हमारे जीवन से जीवन संबंधित बातों को भी इस युद्ध क्षेत्र में जहां पे दुश्मन खड़े हैं सामने, वहां भगवान इतना ध्यान रखते हैं हमारा, अपनी बातों में अगर भगवान हमारा इतना ख्याल रखते, इतना ध्यान रखते हैं, तो सामान्य जीवन में डे टू डे लाइफ में भगवान हमारा कितना ध्यान रखते होंगे, अर्थात हमारा एक एक छोटा छोटा कर्म भी भगवान को सुख या दुख देता ही है। इसलिए अगर हम उनके वचन को नहीं मानते हैं, उनके दिए हुए आदेश और उनके आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो एक कहावत है, उनके जीव पे पांव रख देंगे। तो क्या आप पसंद करेंगे कि भगवान के द्वारा दिए हुए उपदेश का पालन न करें? अगर ऐसा आपके मन में है कि भगवान की बात है, उसका हम वचन का पालन करेंगे करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे, तो आप आज से अगर आप भोग नहीं लगाते हैं तो आंख बंद करके, आपके घर में मूर्ति नहीं है कोई चिंता नहीं, आंख बंद करके आप प्रभु को भोग लगाएं, आप ऐसा मनन करें, ऐसा आप चिंतन करें खाने से पहले कि यह थाली भगवान को मैं अर्पित कर रहा हूं या कर रही हूं, और भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान हमारा भोग जो यज्ञ है उसको ग्रहण कर रहे हैं, और भगवान एकदम प्रसन्न हो के हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये आज से करना शुरू करेंगे। मान लीजिए आप ये नहीं कर पाते, तो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे उनको पहले भोजन कराएं, उनको सम्मान के साथ बैठें, उनके साथ उनको पहले भोजन कराएं, भले साथ में बैठिए लेकिन वो साथ में बैठे तो भी चलेगा, बच्चों को भोजन कराएं, आपके आश्रित जो लोग हैं उनको भोजन कराएं, हैं? आपके घर कोई गेस्ट आ गया है तो उसको सम्मान दें, ये भारतीय वैदिक परंपरा कहती है, ये भगवान खुद श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं। आप सोचिए भगवान को ये क्यों कहना पड़ा, क्योंकि भगवान को लगा कि मैं अर्जुन के माध्यम से समाज को एक मैसेज तो दे दूं, और भगवान ने वो मैसेज हमें दिया आज से 5-7-8 हजार साल पहले, और भगवान ने तो 5-7 हजार साल पहले इसमें कहा, लेकिन आगे वाले श्लोक में आपने देखा, श्लोक नंबर 11 में उन्होंने क्या कहा कि प्रजापति ब्रह्मा ने पहले कहा, कब, पुरोवाच प्रजापति, ब्रह्मा ने तो जब ये सृष्टि की रचना हुई तभी कह दिया था, ये सारी चीजें उससे लिंक्ड है। अब मैं श्लोक नंबर 14 लेता हूँ, उसी से रिलेटेड है, आप जरा ध्यान से देखेंगे आपको बहुत आनंद आएगा, इसको हम पीछे से पढ़ेंगे, एक बार पहले श्लोक पढ़ते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अति उत्तम, अन्नाद भवन्ति भूतानि परजन्यात् अन्नासंभवः, इतना सुंदर श्लोक है, आप देखिएगा, यज्ञाद् भवति परजन्यो यज्ञः कर्मासमुद्भवः, 13 श्लोक नंबर 14 और 15 एक ही है लेकिन अलग अलग समझते हैं, फिर बाद में दोनों को कंबाइन करेंगे।
अन्नाद भवति भूतानि। अभी मैंने पहले नहीं कहा कि आपका शरीर किससे बना है, अन्न से बना है। तो भगवान ने यहाँ क्या कहा है, देखिए संपूर्ण प्राणी अन्नों से उत्पन्न है। अन्न मतलब क्या हुआ, जो भी हम खाते पिए। अब अन्न का आप बोलोगे कि इसमें फल फूल का तो नाम नहीं लिखा है, अब भगवान ने इतना कहा, ये हिंट है, अन्न में सब कुछ आ गया, जो भी आप ग्रहण करते हो, जो भी आप खा सकते हैं। हाँ, मांसाहार की चर्चा भगवान ने नहीं की है, क्यों, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। यहाँ ऐसा नहीं कहा मांसाहार से उत्पन्न होते हैं, यहाँ क्या कहा, यहाँ कहा अन्नाहार से उत्पन्न होते हैं। अन्न में क्या आया, अनाज फल फूल इत्यादि, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा अन्न की चर्चा, तो आपसे अगर कोई कहता है कि आप प्रूफ दीजिए कि क्या प्रूफ है कि मनुष्य को मांसाहार नहीं करना चाहिए, इससे बड़ा प्रूफ कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि अन्न ही ग्रहण करना चाहिए सभी प्राणियों को, साथ में क्या कहा, अन्न कहाँ से उत्पन्न होगा, अब देखिए, तो बोला परजन्य। परजन्य मतलब होता है बरसात, बारिश। तो जब वर्षा होती है तो अन्न पैदा होता है। ध्यान दीजिए कितना बड़ा साइंस भगवान ने हमको सिखाया। हम जानते तो हैं, लेकिन इसको जानने के बाद हमारी हमारी जो प्रज्ञा है, हमारी जो हमारा जो ज्ञान है वो जग जाएगा, हम ज्ञानी बन जाएंगे इसको जानने के बाद। अभी तक हम केवल जानकार थे, केवल समझ रहे थे, अब हम इसे ज्ञानी बन जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा दोनों श्लोक। परजन्यात् अन्न संभवः, अर्थात जब वर्षा होती है तो अन्न पैदा होता है, ठीक है। पहले क्या हुआ, प्राणी, प्राणी किससे उत्पन्न होते हैं, अन्न से, लेकिन अन्न किससे उत्पन्न होता है, तो वर्षा से, बारिश से होता है। तो आपका प्रश्न होगा, तो बारिश कैसे होती है, तो आगे बोला यज्ञाद् भवति परजन्यो, परजन्यो अर्थात बारिश से, बारिश होती है यज्ञ से, यज्ञ करोगे तो वर्षा होती है। आपने सुना होगा कि कई जगह जब रेगिस्तान वगैरह में सूखा पड़ जाता है तो वहां पे ब्राह्मणों को बुला के वेद मंत्रों का पाठ होता है और भगवान के नाम का कीर्तन होता है, पूरा का पूरा गांव इकट्ठा होके भगवान की स्तुति करता है, आप सुने होंगे। तो यहाँ यज्ञ का अर्थ क्या है कि सामाजिक कल्याण के लिए किया हुआ कर्म। और सामाजिक कल्याण के लिए कौन सा कर्म हम करते हैं, भगवत भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, आहुति देंगे, हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं और देवता प्रसन्न होके वर्षा करेंगे, इसीलिए वर्षा के देव का नाम है इंद्रदेव। तो इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं, ठीक है, एक उदाहरण दे रहा हूं। तो वर्षा किससे होगी, यज्ञों से होगी। फिर आगे क्या कहा कि चलो ठीक है यज्ञ से होती, लेकिन यज्ञ क्या है, तो आगे बताया यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ क्या है, यज्ञ सभी अच्छे कर्मों का फल। यज्ञ क्या है, सभी अच्छे कर्मों अर्थात सामाजिक कार्यों के लिए। अब प्रश्न ये उठता है, तब ये सामाजिक कार्य क्या है, कर्म क्या है, तो वो आगे वाले श्लोक में कहते हैं, इसको देखिएगा। कर्म ऊपर कहां से खत्म हुआ, कर्म समुद्भव श्लोक नंबर 14 में, तो वही चीज आप श्लोक नंबर 15 में देखो। अब कर्म कहां से होता है, तो कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ध्यान से सुनिएगा, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि अर्थात कर्म कहां से हुआ, तो बताया ब्रह्मोद्भव अर्थात ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न किया गया जो कर्म है, अर्थात ब्रह्मा ने कौन सा उद्भव किया कर्म, ब्रह्मा ने वेदों में जो कर्म की चर्चा किया है वो ब्रह्मोद्भवम विद्धि जानो। तो कहां से आप जानोगे, ब्रह्मा जी को तो आप सुने नहीं है, तो जानेंगे कहां से, तो ब्रह्मा जी का वाक्य है, ब्रह्मा जी की जो वाणी है वो कहां है, उद्भवन, ब्रह्मा के द्वारा उद्भव किया हुआ जो ज्ञान है अर्थात वेद है, वेद से जानो कि कर्म क्या होता है। तो ऊपर वाले श्लोक में क्या कहा, यज्ञ कर्म समुद्भवम, यज्ञ कर्म से होता है और कर्म क्या है, तो वो ब्रह्मोद्भवम विद्धि अर्थात वेदों से पता चलेगा, ठीक है। अब बोला और वेद किसने कहा, ब्रह्मा ने, और पहले श्लोक में भी कहा था प्रजापति ब्रह्मा ने इस पूरे सृष्टि की रचना करने के पहले ही कह दिया था कि तुम ये करो और ये नहीं करो, तो वापस वहीं पे आ गए भगवान। फिर क्या बोलते हैं,
बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनिए। तो नया प्रश्न उठेगा कि अच्छा तो आप कह रहे हो तो ये वेद आए कहाँ से, तो ब्रह्मा से आए। तो बोले लेकिन वो कहाँ से आया, जो वेद के वाक्य है वो आए कैसे, तो ब्रह्माक्षर समुद्भवम। ब्रह्माक्षर मैं आपको एक यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आगे आएगा, अभी से कह दे रहा हूं ब्रह्माक्षर क्या है। और ब्रह्माक्षर आपको मैं बताते हुए बहुत आनंद हो रहा है मुझे, मैं अभी से कह दे रहा हूं ब्रह्माक्षर अर्थात होता है ओ। ओम ही ब्रह्माक्षर, ओम से ही पूरी सृष्टि की रचना हुई है, ओम ही पूरे सृष्टि की रचना का उद्भव का आधार है। तो यहाँ पे कहा ब्रह्माक्षर समुद्भवम। अब बोले अब क्या होगा, तो बोला तस्मात इसलिए, क्या बोला तस्मात अर्थात इसलिए सर्वगतम ब्रह्म। सब कुछ कहाँ पे है, प्रतिष्ठित है ब्रह्मा में प्रतिष्ठित है। क्या क्या, तो बोला नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, अर्थात जो कुछ भी कर्म है, जो कुछ भी आपका ज्ञान है, जो कुछ भी आप करते हो, जो कुछ भी आप करोगे, नित्य, नित्य का अर्थ क्या हुआ आत्मा, जो कुछ भी आपका आत्मा से संबंधित है, आत्मा से ही संबंधित शरीर हुआ, आत्मा से ही संबंधित हुआ आत्मवत होके कर्म करना, तो जो कुछ भी इससे संबंधित है, नित्य से जो संबंधित है, वह हमेशा और हमेशा ब्रह्म के अंदर ही प्रतिष्ठित है। उसने पूछा था ना पहले ही कि मेरी बुद्धि को प्रतिष्ठित कैसे करूं, तो बताए कि जब तुम यह कर्म करोगे तब तुम प्रतिष्ठित हो जाओगे और वो सब कुछ ब्रह्मा में प्रतिष्ठित हो जाएगा। दोस्तों ये जो श्लोक नंबर 12, 13, 14 और 15 है, ये केवल और केवल एक काम करने को बोलता है और वो यज्ञ कर्म। यज्ञ कर्म क्या है, जिसमें सभी जीवों का कल्याण है। ऐसा नहीं कि किसी जीव की हत्या है, तो जब आप मांसाहार करोगे तो किसी न किसी जीव की हत्या करोगे, जाने में और अनजाने में, दो हत्याएं अलग अलग। जानबूझ के आपने मेरे पेन का इस्तेमाल किया और मुझसे परमिशन नहीं लिया तो चोरी है, लेकिन जानबूझ के पूछ के करते हो, इसका यह मतलब नहीं है कि आप बकरी से पूछ के क्या उसका मर्डर करते हो, क्या कि मैंने बकरी से पूछा और मैंने उसको काटा और मैंने उसका मांसाहार किया, यहाँ ऐसा सेंस नहीं है। सेंस क्या है, अन्नाहारम करना है आपको, अन्नाहार पे ध्यान दिया है ना। खैर अर्जुन ने यह बात सुन ली, अर्जुन को लगा कि ये मुझे यहाँ युद्ध में बैठ करके ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, और अर्जुन थोड़ा सा विचलित हो गया होगा, तो भगवान ने तुरंत उसका कान पकड़ा और अर्जुन को बोले एवं प्रवर्तितम चक्रम। ध्यान दीजिएगा, एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयतीह यः। ध्यान से सुनिए, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयतीह यः। मैंने नानु को ऐसा पढ़ा, न अनुवर्त कर दिया मैंने, जिससे आपको इजी रहेगा, और ती हमें ती प्लस इह, इह यानी इस, यह, यह यानी जो। तो क्या कहा, आया गुरिंद्रिया रामो मोघम, वाह मोघम पार्थ सजीवती, बहुत बड़ी बात कह दिया मोघम। यहाँ मोग का अर्थ होता है मतलब यूजलेस, मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं, एकदम बेकार व्यर्थ। तो क्या कहा, हे पार्थ, पार्थ को याद किया, हे प्रथापुत्र पार्थ, आपको मैंने बताया था पांचों भाइयों का नाम पार्थ ही था, लेकिन इस श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं इसलिए पार्थ कहके, पार्थ यानी प्रथा के पुत्र, तो पांचों प्रथा के पुत्र थे, तो लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, वह व्यक्ति मोघम सजीवति, वह व्यक्ति स यानी वह, जीवत यानी जीता है, मोघम यानी व्यर्थ में जीता, बेकार में जीता है, कौन, वो व्यक्ति बेकार जीता है, यानी पार्थ बोला, आप समझिएगा। तो भगवान ने इनडायरेक्टली पार्थ को, अर्जुन को कह दिया, अर्जुन सावधान, अगर जो मैं कह रहा हूं वो नहीं तुम मानते हो तो तुम बेकार जीवन जी रहे हो,
यानी तुमको जीवन जीने का कोई अधिकार ही नहीं है और तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। भले तुम हो पार्थ लेकिन कोई अर्थ नहीं है, हे पार्थ तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अगर क्या करोगे तो सुनिए, अघायुरिंद्रिया रामो, जो व्यक्ति इंद्रियों से इंद्रियों के भोगों में ही पड़ा रहता है। पहले क्या कहा, भोग लगाने की बात किया, अर्थात तुम अपने इंद्रियों की ही तुष्टि में पड़े हो, भोग नहीं लगाओगे तो तुम अपनी इंद्रियों की तुष्टि में पड़े हो। ठंडी आई, खूब कंबल रजाई और कोट पहन के घूम रहे हो और तुम्हारे इर्द गिर्द दादा दादी और घर के बड़े लोग जो है वो ठंडी में सिकुड़ रहे हैं, तो तुम अपने इंद्रियों के पोषण में, उनकी तुष्टि में, उनकी आसक्ति में, उनके ही लिए पड़े हुए हो, उसी की चिंता है तुमको, उसी के लिए कर्म कर रहे हो, तो तुम क्या हुए, पापी हुए। घर में अगर कोई च्यवनप्राश आया और घी आया तो खुद ही खा लिया कि मैं हेल्दी रहूंगा और बाकी लोगों को नहीं देते हो। तो कहने का अर्थ ये है कि भोग लगाओ अर्थात यज्ञ रूपी जीवन जीवो। तो कहा अगर ऐसा नहीं करते हो तो इंद्रियों के द्वारा, देखिएगा, अघायु इंद्रियाम अरामो, अर्थात अपनी ही इंद्रियों में तुम रमण कर रहे हो, अपनी ही इंद्रियों में तुम पड़े हुए हो, अपने आराम का ही सोचते हो, अपने ही इंद्रियों के सुख का अगर करते हो तो तुम क्या होगे, हे पार्थ तुम्हारा जीवन व्यर्थ होगा, हे पार्थ तुम्हारा जो जीवन है वो किसी अर्थ का नहीं रहेगा और बेकार हो जाएगा। अब ये कह के अर्जुन को क्या समझाना चाहते हैं कि तुम सोचते हो कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, तुम समाज के बारे में नहीं सोच रहे हो हे अर्जुन, इसलिए उठो, धनुष बाण उठाओ और युद्ध करो, अधर्म का नाश करो और धर्म की सुरक्षा करो। इसलिए हमने पीछे से पढ़ा, अघायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। अब इसको आगे वाले सेंटेंस से कनेक्ट करते, यानी जो व्यक्ति, तो यहां देखिए यह स, जो व्यक्ति ऐसा करता है और स वह व्यक्ति ऐसा होता है। क्या बोला, हे पार्थ जो व्यक्ति ये नहीं करेगा, हे पार्थ जो जो व्यक्ति ये स्वार्थ का काम करेगा, हे पार्थ वह व्यक्ति केवल और केवल पाप का अधिकारी होता है। आप समझ गए, तो बोला कि वह जीवन बेकार है जो सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता है। चक्रम न अनुवर्तयन, सृष्टि चक्र क्या है, तो सृष्टि चक्र ये है कि आप जिस धर्म कर्म के लिए पैदा हुए हो, आपको जो ड्यूटी दी गई है वो ड्यूटी आपको करनी ही करनी है, अन्यथा आप पापी होंगे। अब अर्जुन का यहाँ पे चक्र क्या है, चक्र के अनुसार अर्जुन का कर्म है, अर्जुन का धर्म है अधर्म के सामने युद्ध करना। तो बोला कि जो व्यक्ति इस प्रीडिफाइंड चक्र के अनुसार, प्रीडिफाइंड यानी आप इस समय युद्ध में आए हैं तो आपको युद्ध करना है। अब मान लीजिए एक ऐसा चक्र लेता हूं कि एक बच्चा है, बड़ा होता है, वो डॉक्टर बनता है, पुलिस बनता है, सैनिक बनता है, और वो बनने के बाद अब जब सैनिक बन गए, पता चला किसी देश के साथ युद्ध छिड़ गया, वहां जाने के बाद बोला नहीं भले मैं सैनिक हूं लेकिन मैं किसी मानव की हत्या नहीं कर सकता, दुश्मन भले मेरे देश पे अटैक करके ले जाए मैं नहीं करूंगा, तो आप सैनिक क्यों हैं? यानी आपका जो कर्म चक्र है वह सैनिक का है, आपका जो कर्म चक्र है वह डॉक्टर का है, मरीज की बीमारी का इलाज करना, आपका जो धर्म चक्र है, कर्म चक्र है वह शिक्षक का है। अब शिक्षक क्लास में जाके बोले नहीं मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्यों, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा कहीं गलत पढ़ा दिया तो बच्चे गलत रास्ते पे चले गए, तो भाई आप शिक्षक, तो शिक्षक का चक्र क्या है, प्रवर्तित चक्र क्या है, तो प्रवर्तित चक्र आपका है, प्रवर्तित नहीं मैं इस काम में प्रवृत्त हूं, एक बोलता है मैं इस काम से निवृत्त हूं, तो आप प्रवृत्त है ना, तो शिक्षक के चक्र में आप प्रवृत्त है यानी उसमें आपका काम है। इसीलिए श्लोक कहां से शुरू हुआ, एवं, यानी श्लोक नंबर 15 और श्लोक नंबर 16 एंड से स्टार्ट होता है, आप समझे ना, वो और ये यानी दोनों को कंबाइन किया और भगवान ने कहा अन्यथा तुम्हारा जीवन व्यर्थ।
अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 17। बहुत बढ़िया है, यहाँ पे थोड़ा सा भगवान ने अपना गियर बदल दिया। इस गियर को क्या किया उन्होंने, अध्याय 2 के ज्ञान योग से जोड़ा, यहाँ सांख्य योग को कनेक्ट करते हैं भगवान और कहते हैं यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मा तृप्तस्य मानवः। देखिए केवल अर्जुन के लिए नहीं, समस्त मानव जीवन के लिए, समस्त मानवों के लिए है। अब आप कहेंगे तो दूसरे भूत प्राणी क्यों नहीं, तो दूसरे भूत प्राणी का कर्तव्य कर्म नहीं होता है, वो केवल भोग के लिए पैदा होता है, और मनुष्य जो है कर्तव्य कर्म करने के लिए पैदा होता है, यज्ञ कर्म करने के लिए पैदा होता है, केवल भोग के लिए पैदा नहीं होता। इसीलिए 5 इंद्रियां हैं। अगर केवल भोग करना होता तो एक इंद्रिय में आप वश में रहते, आपको 5-5 इंद्रियां दी गई हैं। यस्त्वात्मा रतिरेव रेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम् न विद्यते। इतना बढ़िया श्लोक है, आप देखें पहला शुरू कहां से होता है, यस्य अर्थात जो व्यक्ति, यस्य मानव, जो व्यक्ति मानव कल्याण के बारे में नहीं सोचता है, जो व्यक्ति आत्मरिव जो खुद से खुद में तृप्त है, खुद से खुद में संतुष्ट है। आप देखिए तुष्ट को तृप्त कहा जाता है। अब तुष्ट दो तरह का होता है, एक असंतुष्ट और एक संतुष्ट, एक तृप्त और एक अतृप्त। तो ऐसा व्यक्ति जो तृप्त नहीं अर्थात संतुष्ट नहीं है वो क्या होगा, अतृप्त होगा अर्थात वह असंतुष्ट होगा। तो जब आप असंतुष्ट होंगे तो कह रहे हैं तो आप मानव धर्म का कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो। तो करना क्या है, आपको स्वयं में स्वयं से संतुष्ट रहना है। अगर आप ऐसा हो जाते हो तो आपके लिए ना तो कोई कर्म है ना अकर्म है, आपके लिए ना कोई फल है ना तो कोई न फल है, ना तो कोई आपके लिए तृष्णा है, ना तो आपके लिए कोई रोग है, ना व्याधि है, ना सुख है, ना दुख है। आप क्या होंगे, आप योग में चले जाते हैं। तो भगवान ने कहा ऐसा जो व्यक्ति हो जाता है उसके लिए कर्म और अकर्म एक जैसे हो जाते हैं, लेकिन हे अर्जुन तुम अभी अकर्म में जग गए हो, इसलिए तुम वहां से निकल के बाहर आओ, और जब तुम मैं जो कह रहा हूं वैसा हो जाओगे तो तुम जो ये युद्ध करोगे तो इस युद्ध के फलस्वरूप तुमको पाप नहीं लगेगा। पाप किसका लगता है, अकर्म का पाप लगता है। तो बोले ना तो अकर्म होगा और ना तुमको पाप लगेगा। इसलिए अब भगवान यहां वापस कहते हैं अर्जुन को, इसलिए हे अर्जुन कर्म करो। अब हम 18वां लेते हैं, नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। बहुत अच्छा श्लोक है, क्या कह रहे हैं, न एव अर्थात जब तुम इस योन इस स्थिति को प्राप्त हो जाओगे तो तुम्हारे लिए कोई अकर्म और कर्म रहेगा नहीं। तो जब कर्म करने से कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाएगा तुम्हारा, इसलिए तुम जो कुछ भी करोगे वो स्वार्थ रहित हो जाएगा। कश्चित अर्थ व्यपाश्रय, कोई भी काम सभी भूतों सभी प्राणियों के लिए तुम्हारा निस्वार्थ भाव से होने लगेगा, हे अर्जुन इसलिए तुम कर्म करो। अब हम 19 और 20 को साथ में लेते हैं, बहुत ही मजेदार, आपको मजा आएगा। भगवान ने उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया, तस्माद असक्त तस्मात असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर समाचर अर्थात योगनिष्ठ हो करके तुम सततम कार्यम जो भी तुम्हारा कर्म है वह आसक्ति पूर्वक, आसक्ति यानी जिसमें आपकी कोई आसक्ति रह न जाए अर्थात जिसमें आपका अपना कोई माया मोह ना रह जाए, अपना अपन ना रह जाए, आसक्ति को छोड़ करके तुम तस्मात उस कर्म को करो। असक्तो ह्याचरन कर्म, और अगर तुम असक्त हो आसक्ति रहित हो करके कर्म करते हो तो परमाप्नोति पुरुषः, उस परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। अर्थात यहाँ भी वही चीज कहा जो पहले कहा था, लेकिन क्या कहा, कर्मम कर्म करो। आप देखिएगा अध्याय 3 कर्म योग है, हर श्लोक में भगवान कर्म 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 की चर्चा। यहाँ देखिए सततम कार्यम, कार्य करते ही करते रहना चाहिए,
कर्म करते रहना चाहिए, यह चरम कर्म, कर्म को करते ही रहना चाहिए, आसक्ति पूर्व आसक्ति रहित होकर करना चाहिए, और करोगे तो परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। और कौन करेगा? पुरुष है, तुम नहीं, सभी मनुष्य, सभी मनुष्य उसको प्राप्त हो जाएंगे। ये श्लोक बहुत ही अच्छा है, हम चाहते हैं कि हम लोग भी कभी एक उदाहरण बन सके। भगवान उदाहरण देते हैं, अर्जुन ने प्रश्न किया होगा, आप कह तो रहे हो लेकिन ऐसा कोई है जो ऐसा कर चुका है आज तक? कोई नाम आप बताओ, कोई उदाहरण तो दो। भगवान को लगा चलो इसे उदाहरण देते, तो उदाहरण दिया यहाँ पे, कर्मणैव हि संसिद्धिम् अस्तिता जनकादय, जनक राजा का नाम लिया, लोक संग्रहम एवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। ओ, कितना सुंदर वाक्य है, एक बार और पढ़ता हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। कर्मणैव अर्थात कर्मणा इव अर्थात कर्म ही, इव ही यानी वास्तव में सही अर्थों में, संसिद्धिम उससे ही सिद्धि को प्राप्त होती है, और ऐसे बहुत सारे कर्म करते हुए लोग उस संसिद्धि को, उस परम धाम को, जो श्लोक नंबर में पढ़िए, परमाप्नोति पुरुषः, परम धाम को वो लोग प्राप्त कर चुके हैं, समाज के लिए विशाल खड़ा कर चुके हैं, समाज के लिए उदाहरण खड़ा कर चुके हैं। कौन से लोग? जनक आदय, जनक जैसे लोग। राजा जनक जानते हैं कौन थे? सीता जी के पिता। आप सोचो, सीता माँ लक्ष्मी स्वरूपा, भगवान राम जिनके दामाद हैं, भगवान जिनके दामाद हैं, वो व्यक्ति कैसा? तो जनक आदय, मनुष्यों में वो राजा होते हुए भी अपना कुछ नहीं है, ऐसा कर्म किया उन्होंने। लोक संग्रहम एवापि अर्थात लोक संग्रह अर्थात ये मेरा, ये तेरा, मैं मेरा, मेरे लिए, मेरे हेतु, भविष्य में भी मेरा, पास्ट में भी मेरा, या मेरा शरीर, ये मेरा टेबल, ये मेरा कपड़ा, मेरे 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 संग्रह लोक, इस लोक में अगर आप देखोगे तो संस्पंशस्य कर्तुमर्हसि, निष्काम होकर के बिना स्पर्श के लोग कर्म करते हुए उस सिद्धि को प्राप्त। इनडायरेक्टली भगवान ने क्या कहा कि मृत्यु लोक में जनक जैसे लोग आने के बाद केवल और केवल किसको प्राप्त होते हैं? परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इसलिए ये कहना कि इस पृथ्वी पे आने के बाद परम धाम को प्राप्त करना असंभव है, ऐसा नहीं है। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप उदाहरण दो कि ये यज्ञ कर्म, परोपकार, अच्छा कर्म करने से कोई भगवान के धाम को प्राप्त हो सकता है क्या? भगवान ने नाम दे के बोला कि हे अर्जुन, क्योंकि अर्जुन को भी ये प्रश्न हुआ होगा तो पूछा होगा कि आप कह तो रहे हो कि आसक्ति रहित हो करके कर्म करो, यज्ञ करो, परोपकार करो, मांसाहार का भक्षण ना करो, लोक संग्रह के लिए कर्म ना करो, लेकिन लोक परोपकार के लिए कर्म करो, तो कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है आज तक? तो उन्होंने कहा हाँ, जनक आदि, जनक जैसे कई लोग। यहाँ पे देखिए, केवल जनक का नाम नहीं है सोहिल भाई, जनक आदि, आदि मतलब इत्यादि, इत्यादि यानी एटसेट्रा, यानी ऐसे बहुत सारे लोग, आदि यानी अदर्स। इसका मतलब भगवान अर्जुन से ये कह रहे हैं कि तुम जन, देखिए अर्जुन जनक को ही केवल जानता रहा होगा, इसीलिए जनक का नाम भी, और लोगों को अर्जुन नहीं जानते थे, लेकिन भगवान ने कहा और को मैं जानता हूं। यानी जनक जैसे इस पृथ्वी पे कितने लाखों करोड़ों लोग हो चुके होंगे जिनको भगवान जानते हैं। आपसे कोई पूछे कि आपके डिपार्टमेंट कौन कौन है, तो आप बोलोगे मेरे डिपार्टमेंट एक्स है, वाई है, जेड है, वगैरह वगैरह, और भी चार पांच को, तो आप उन सबको जानते हैं, तो लेकिन मैं नहीं जानता। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जनक को तो तुम जानते ही हो ना, तो अर्जुन बोला हाँ उनको जानता हूं। तो बोला उन्होंने जो ऐसा कर्म किया, ऐसा कर्म करने वाले जो व्यक्ति हैं वो कहाँ प्राप्त, कहाँ जाते हैं? संसिद्धिमास्थिता, वो लोग भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं अर्जुन। इसलिए तुम भी राजा जनक की भांति कर्म में प्रवृत्त हो जाओ, निवृत्त मत हो, और तुम लोक संग्रह के लिए कर्म ना करो, निष्काम भाव से कर्म करो। यहां भी भगवान ने देखिए क्या कहा, कर्म नहीं हो, यहाँ भी कहा कर्म करो। इसे आगे वाले श्लोक में क्या कहा, सततम कार्यम कर्म, कर्म करो, कर्म परमाप्नोति, कर्म करो।
इसके आगे वाले श्लोक में देखिए, कृते नार्थो, अर्थात कर्म करो, नहीं करोगे तो ये होगा, करोगे तो ये होगा, फिर से ना कृते, अर्थात नहीं करोगे तो ये होगा। यहाँ भी कहा भगवान ने, हर जगह कर्म करने को कहा है, यहाँ भी कार्यम न विद्यते, कार्य करने को कहा भगवान ने है। इससे आगे वाले श्लोक में भी देखिए, यहाँ कर्म ब्रह्मोद्भवम, कर्म से ही प्रारंभ करते हैं, नित्यम यज्ञ, यज्ञ भी एक कर्म है, कर्म की चर्चा किया। इससे आगे 14वें श्लोक में देखिए, यहाँ पे यज्ञ आद भवति, यज्ञ कर्म है, फिर कर्म समुद्भव, कर्म करो हे अर्जुन तुमको। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बड़े ऑफिसर हैं और हम कर्म नहीं करेंगे तो चलेगा। राजा जनक इतने बड़े महान राजा थे तो वो भी कर्म करते ही थे, इसलिए हम सभी को कर्म करना चाहिए। अगला सेशन हम लगभग शुक्रवार को सुबह लेंगे, जिसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि भगवान ने दूसरे का उदाहरण, जनक, राजा जनक का तो उदाहरण दिया, इससे आगे भगवान 21वें श्लोक में एक इससे भी अच्छा उदाहरण आपको देंगे, और वो उदाहरण भगवान अपना खुद का उदाहरण देते हैं, उसमें आपको और मजा आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज सेशन नंबर 18 हम 18वां, देखिए 18 अध्याय है, 18 दिन महाभारत चला था, आज 18वां ये सेशन है, आज हम इसका सब, और आज 18 तारीख है, आज दिनांक भी 18 है, आज हम बहुत अच्छा संयोग है, आप सब खूब सुखी रहें, भगवान के कहे हुए वचन का पालन करते हुए भगवान के धाम को सब लोग इस जीवन के बाद अपने निष्काम भाव से कर्म करते हुए प्राप्त करें, ऐसी प्रभु द्वारकाधीश के चरणों में प्रार्थना करते हुए, ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।